अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू होम कुकिंग विद नौशीन। तो आज मैं आपके साथ पोटैटो एंड चीज़ पिनव्हील्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। पोटैटो एंड चीज़ पिनव्हील्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 कप मैदा, और 1 टेबल स्पून हमने अलग से निकाल करके रख दिया है जिससे हमें घोल तैयार करना है। स्टफिंग के लिए यहाँ पर हमने लिए है 4 उबले हुए आलू जिसे हमने मैश कर लिया है, 1 क्यूब चीज़ लिए है जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। मसाले में हमने लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। कोरिएंडर लीव लिए है और इसे भी अच्छे से काट लिया है, और यहाँ पर देसी घी हम डालेंगे, पानी लिए है। सबसे पहले हमें इसका डो तैयार करना है। डो तैयार करने के लिए मैदे में सबसे पहले देसी घी डालेंगे, साथ ही डाल देंगे सॉल्ट, कोरिएंडर लीव्स, और अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। पानी डालकर थोड़ा सा इसे अच्छे से गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स करना है इसे, और बिल्कुल अच्छा परफेक्ट डो तैयार करना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो। इसका हम नहीं तैयार करेंगे समोसे के लिए, जैसा डो तैयार करते हैं उसी तरीके का डो चाहिए हमें। अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो हमारी पिनव्हील्स जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। पिनव्हील्स थोड़ी सी हार्ड अच्छी लगती है, इसीलिए इसका हार्ड डो हमें तैयार करना है। देखिए हमारा डो अच्छे से बन चुका है, और ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, इसी तरीके का हमें चाहिए था। इसके बैटर के लिए जो हमने मैदा लिए हैं उसमें हम पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसे मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। देखिए जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी तरीके से बहुत अच्छा और पतला सा बैटर तैयार हो जाता है। देखिए इसमें एक भी लम्स नहीं है। अब हम इसका थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे और एकदम पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल पतला सा फाइन बैटर तैयार हो चुका है, और इसमें एक भी लम्स नहीं आ रहा है। अब बारी है स्टफिंग की। स्टफिंग के लिए जो उबले हुए आलू थे अब हम वो आलू डाल रहे हैं एक बोल में। साथ ही साथ इसमें मसाले डाल देंगे, हरा धनिया और चीज़, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हो, और हैंड वॉश करके भी आप इसे हाथों से मिक्स कर सकते हो। देखिए बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि आलू चीज़ सब एक दूसरे में मिल जाए और इसका टेस्ट बढ़ जाए। अब हमें इस डो को बेल देना है। बेलने के लिए यहाँ पर मैं किचन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसे चॉपिंग बोर्ड और उस पोलपाट वगैरह पे भी बेल सकते हो। देखिए इस तरीके से हमें बेलना है। इस तरीके से करने के लिए हाइजीन का पूरा पूरा ख्याल रखिए।
और बिल्कुल धीरे 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 करते हुए इसे अच्छे से बेल लेना है। शेप चाहे जो भी हो, हमें इसे कट ही करना है। और जो स्टफिंग हमने तैयार की हुई है, इसे इस पर पूरा स्प्रेड कर देंगे। और हाथों की मदद से अच्छे से इसे फैला देंगे। देखिए अच्छे से ये स्प्रेड करेंगे इसको पूरी तरफ से। देखिए स्पून से ये थोड़ा सा टाइम लगा लेता है स्प्रेड होने में, इसीलिए अगर आप चाहो तो दोनों हाथ से इसे प्रेस करके स्प्रेड कर सकते हो। देखिए पूरा इवेनली स्प्रेड होने के बाद अब हम इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे रोल करते हुए पूरा ऊपर तक लेकर जाना है हमें। और हल्के हाथों से इसे अच्छे से रोल करना है। किनारों को इसके अच्छे से बंद कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे हम काट कर अलग कर देंगे। देखिए ये अलग कर दिए हमने, और बिल्कुल आधे आधे इंच के गैप पर हमें इसे कट करना है। और कट करने के बाद इसे थोड़ा सा थोड़ा चपटा कर लेना है, ताकि ये बहुत अच्छे से दिखने में भी अच्छा लगे। देखिए एक एक पीस पूरे अच्छे से निकल कर आ रहे हैं और दिखने में भी अच्छे ही लग रहे हैं। देखिए कितना इजीली कट रहे हैं ये। स्टार्टिंग के एक दो पीसेस काटते वक्त आपको लगेगा कि हाँ ये छुरी में थोड़ा सा चिपक रहा है, हाथ में चिपक रहा है, लेकिन आगे जब आप काटते जाओगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा और आपको अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर पूरा मैंने काट लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा थोड़ा हल्का गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में हमें इसे फ्राई नहीं करना है। और जो हमने इसका बैटर बनाया था, एक एक करके हम इसमें डिप करेंगे बैटर में और ऑयल में डालेंगे। देखिए इस तरह के से।
देखिए तेल हमारा इतना ही गर्म होना चाहिए, जिस तरीके से हम डाल रहे हैं तो ये बिल्कुल उड़ नहीं रहा है। और एक एक करके हम सारे पिनव्हील्स इसमें डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं हमें करना है, वरना ये जल जाएंगे और कच्चे भी हो रहेंगे। देखिए पिन व्हील्स हमारे फ्राई हो रहे हैं। और अभी हम इसे टर्न करेंगे, 5 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर, और अब हम इसे टर्न कर रहे हैं एक एक करके। इजीली सब टर्न हो जाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है इनमें, और अब हम इसे किचन टॉवल पर निकाल देंगे और बनकर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।